अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे कुछ मालूम करना चाहता हूँ। जी मालूम कीजिए। जिस तरह नमाज पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? नमाज से पहले हाथ पांव चेहरा धोने और सर का मसा करने को क्या कहते हैं? नमाज शुरू करने के लिए जो तकबीर कही जाती है उसको क्या कहते हैं? नमाज में हाथ बांधकर खड़ा होने को क्या कहते हैं? नमाज में कुरान पढ़ने को क्या कहते हैं? नमाज की हालत में झुकने को क्या कहते हैं? रुकू के बाद सीधा खड़ा होने को क्या कहते हैं? नमाज की हालत में पेशानी जमीन पर टेकने को क्या कहते हैं? दोनों सजदों के दरमियान में बैठने को क्या कहते हैं? जलसा। जो शख्स आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? इमाम। इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? मुअज्जिन। इस्लाम की तीन मशहूर मस्जिदों के नाम क्या हैं? मस्जिद हराम, मस्जिद नबी, मस्जिद अक्सा। माशा अल्लाह, आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया है। अल्लाह आपको आलिम बामल बनाए और मदरसा बकर सिद्दीक को तरक्किया से नवाजे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, नमाज की हालत, नमाज के अरकान का भी मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।